हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैं ये दिखा रही हूँ, ये जो है मूक का अंकुरित मूक बोलते हैं एंड इसको भी बोलते हैं मूक स्प्राउट बोलते हैं। एंड ये कैसे बनता है, ये जो है पहले से मैं दिन में भिगा के, कल को मैं दिन में मतलब 7-8 AM में भिगो के रखी थी और शाम तक मैं इसको निकाल दी और उसको ऐसे छान के उसके ऊपर बस कपड़ा डाल के मैं रख दी रात भर। उसके बाद दिन को मेरा ऐसे हो गया था कि मतलब गज्जा जो है जैसे कि अंकुरित उसमें आ गया था। एंड उसको मैं लेके एक चटपटा सा डिश बनाने वाली हूँ। इसको आप ब्रेकफास्ट स्नैक में भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा और स्पाइसी थोड़ा बनाइए ताकि खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पर एक मैं कढ़ाई ली हूँ, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाली, उसमें वो गर्म हो जाने के बाद थोड़ा सा जीरा ले लीजिए, वो थोड़ा 2 सेकेंड उसको थोड़ा होने दीजिए ब्राउन। उसके बाद मैं जो है ग्रीन चिली है उसको ही यूज़ करूँगी, इसमें रेड चिली जो है उसको मत डालिए। इस डाल सकते हैं लेकिन ये तो डाले ना तो ये थोड़ा स्पाइसी लगेगा, वो डालने में ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगा, ये अच्छा लगता है खाने में भी। ग्रीन चिली ही हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। एंड यहाँ पर मैं एक प्याज काट के रखी थी उसको मैं डाल दी हूँ। एंड इसमें जो करी लिप्स है उसको भी आप डाल सकते हैं। एंड देखिए ये ब्राउन होने तक उसको देखिए, ये तो इसमें मैं जैसे कि वो जो है करी लिप्स है वो मैं डाल दी हूँ। एंड इसमें जैसे कि ये थोड़ा सा उसका जो प्याज का जो कच्चापन है वो जाने तक उसको थोड़ा भूनिए, वो ताकि वो ब्राउन होने तक उसको थोड़ा चलाते रहिए। वो ब्राउन हो जाने के बाद वो जो है हमारा हल्दी और नमक उसको आप बस थोड़ा सा यहाँ पर डाल दीजिए। देखिए ये कैसे बन रहा, चटपटा ही बन के रेडी हो जाता है, खाने में भी अच्छा लगता है। एंड थोड़ा सा मतलब जैसे कि आप थोड़ा ब्रेकफास्ट या स्नैक्स कुछ कर रहे हैं तो हल्का सा, तो ये भी बहुत ही अच्छा लगेगा खाने और हेल्दी भी है इसे। देखिए ये ब्राउन हो चुका है मेरा, अभी इसमें जो मेरा अंकुरित मूंग है या मूंग का जो स्प्राउट है उसको मैं इसमें डाल दी। इसमें ज़्यादा प्याज रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा वो जो मूंग था वो थोड़ा कम था, प्याज मेरा थोड़ा ज़्यादा है, अच्छा लगा खाने में। आपके पास भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो प्याज उससे थोड़ा ज़्यादा डालिए और अच्छा लगेगा खाने में। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे चला दूँगी एंड इसको भी मैं कवर देके थोड़ा सा मैं छोड़ दूँगी, 2 मिनट के बाद ये बन के पूरा रेडी हो जाएगा, खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा एंड बहुत ही टेस्टी। एंड फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कीजिए कैसा लगा आपको भी। फ्रेंड्स देखिए अभी मेरा ये बन चुका है एंड इसको आप जैसे कि ब्रेकफास्ट और स्नैक्स में ले सकते हैं, अच्छा लगेगा खाने में, थोड़ा चटपटा टाइप मन करता है ना स्नैक्स में खाने में, इसीलिए इसको भी आप बना के खा सकते हैं। देखिए एक बार ट्राई कीजिए, ये जैसे कि मूंग स्प्राउट में हम कैसे इसको एक स्पाइसी चटपटा हम बनाएं। एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कीजिए।